हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं इंडियाज मोस्ट वांटेड पंजाब के जयपाल भुल्लर की, जो अपराध की दुनिया में एक बड़ा नाम था। जी हाँ, उनका अनकाउंटर किया गया है। जयपाल भुल्लर व उनके एक साथी का जो अनकाउंटर हुआ है वो बंगाल में हुआ है। जी हाँ, उनका बता दें आपको, जो अनकाउंटर की जगह है वो बंगाल की एक सोसाइटी है, VIP सोसाइटी है, पोश इलाका जो कहा जाता है वहाँ का। जयपाल भुल्लर की बात की जाए तो पंजाब का मोस्ट वांटेड था और 10 लाख का इनाम उसके ऊपर चल रहा था। फिलहाल काफ़ी दर्जनों मामले जयपाल भुल्लर के और जयपाल भुल्लर की गैंग के खिलाफ चल रहे थे। बताया, हमें फैसला करना पड़ेगा। जयपाल भुल्लर व उसकी गैंग पर पंजाब पुलिस के जवानों की मर्डर का भी आरोप है। काफ़ी दिन से ये फरारी काट रहे थे, किडनैपिंग, काफ़ी मामले इनके ऊपर दर्ज हैं जो अभी विचाराधीन हैं। जयपाल भुल्लर ने अपना अपना खुद का गैंग बनाया है और बड़े बड़े जो गैंगस्टर हैं जेल में जाने के बाद, उनके संपर्क में आने के बाद, उन्होंने अपना गैंग को और बढ़ाया। बताया जाता है कि एक पोश इलाके में बंगाल के, वहाँ उनका एनकाउंटर हुआ है। तो दोस्तों, आप अपनी सोसाइटी में जहाँ भी रहते हैं, अपने इलाके में जहाँ भी रहते हैं, अपने नियर डियर नज़र में रखें, कोई ऐसा संदिग्ध, ऐसी कोई गतिविधि करने वाला कोई संदिग्ध युवक तो नहीं आपके इलाके में रहता है। अगर आपको कोई सस्पिशियस लगता है तो उसको पुलिस को सूचित करें। आप इस मोस्ट वांटेड के एनकाउंटर को देखते हुए क्या कहना चाहेंगे? क्या इनको पकड़ कर जेल में कानून के हवाले किया जाना चाहिए था या इनका एनकाउंटर किया जाना? आप किस के पक्ष में हैं, हमें ज़रूर बताएं, अपनी राय ज़रूर साझा करें। धन्यवाद। जय हिंद।